नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौर। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौर में। आज की चर्चा का विषय है बुध का राशि परिवर्तन। बुध तुला राशि में जाएंगे और वो भी 22 सितंबर 2020 से और 27 नवंबर 2020 तक। अच्छा खासा लंबा समय है। आमतौर पर बुध इतने लंबे समय तक एक हाउस में नहीं रहते। इसमें ये वक्री भी होंगे, फिर से मार्गी होंगे और फिर अपना राशि परिवर्तन। तो 14 अक्टूबर को वक्री होंगे और 3 नवंबर को वापस मार्गी होंगे। इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ थोड़ा इंट्रोडक्शन पर हम चर्चा कर लें और थोड़ी साधारण पहले बातचीत कर लें। मैं जो भी बातचीत अभी कर रहा हूँ वो गोचर पे हर लग्न पे क्या प्रभाव आएगा, आप ध्यान दीजिए। मैं लग्न कह रहा हूँ, मैंने राशि नहीं कहा है। आप चाहें तो राशि से भी देख सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मत है और मैं अपना मत रखने के लिए स्वतंत्र हूँ कि मुझे लगता है लग्न से देखा जाना ही ज़्यादा शुभ है। लेकिन आपकी इच्छा पर है, मैं कभी कोई लड़ाई और बंधन में फंसता नहीं। तो आप उसे कैसे भी देखना चाहें आपकी इच्छा पर है। तो मैं सारी बातचीत लग्न पर कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट यही पूछने के लिए आते हैं कि लग्न से बता रहे हो या राशि से। तो सारा वीडियो लग्न पर ही आधारित है मेरी तरफ से। आप राशि से भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। एक बात खत्म, ये गोचर का प्रभाव है। गोचर अगर एक राशि पर, मैंने ये कहा कि ये ग्रह आपके लिए बड़ा अच्छा प्रभाव देगा, तो उस राशि के 20 करोड़ स्त्री पुरुष बच्चे हो सकते हैं। सभी 20 करोड़ की शादी हो जाएगी, सभी 20 करोड़ को चोट लग जाएगी, सभी 20 करोड़ की नौकरियां लग जाएंगी, ये संभव नहीं है। ऐसा हो भी नहीं सकता, ये प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है। तो हो क्या रहा है फिर, ये ऐसा है ही नहीं तो हम ये बात कर ही क्यों रहे। आपकी अपनी जन्म कुंडली की स्थितियां कैसी हैं, उसमें वो ग्रह कैसा है, कैसा प्रभाव देने वाला है, उसी हिसाब से गोचर का प्रभाव आपको होगा। लेकिन गोचर अपने आप में अच्छा है, ये अपनी जगह एक प्लस पॉइंट है। तो सिद्धांतिक रूप से हम किस तरह किसी भी बात को देखते हैं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में वो ग्रह अच्छा है और आप उस टाइम फ्रेम में भी हैं जिसमें ये काम होना है। मैं एग्जांपल देता हूँ 2-3, जिससे आपको ये बात समझ आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कल्पना कीजिए, मैंने कहा कि सिंह राशि वाले या सिंह लग्न वाले इस समय प्रयास करेंगे तो उन्हें सरकारी नौकरी मिल सकती है। लेकिन अगर मैं पहले ही 90 साल का हूँ तो मैं ना तो प्रयास करूँगा और ना ही मुझे नौकरी मिलेगी। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। कल्पना कीजिए कि मैं अभी 3 साल का बच्चा हूँ और मेरी भी सिंह लग्न है। अब ये कहा जा रहा है कि जो भी सिंह लग्न के हैं उनकी कुंडली में विवाह का बहुत सुंदर योग बनेगा। 3 साल का बच्चा शादी कैसे करेगा? तो ये जो 3 साल शब्द था या जो 90 साल शब्द था, ये आपकी अपनी जन्म कुंडली की स्थिति है। तो आपको अच्छे से समझना है कि मुझे एक साथ सिंह लग्न की बात जब करनी है तो 3 साल से लेकर के 90 साल तक के बुजुर्ग की सारी बातचीत करनी है। ये संभव नहीं है कि हर बात हर आदमी पर पूरी तरह लागू हो जाए, ये बिल्कुल संभव नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि गोचर अपनी जगह बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जन्म कुंडली सब कुछ है। जन्म कुंडली में दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशाएं होती हैं, उनका भी असर देखना होता है। फिर और अलग डिटेल्ड कुंडलियां भी हम लोग बनाते हैं, उनका असर होता है। और बाकी 8 ग्रह हैं, उनका भी असर होता है। दृष्टियों का असर होता है, युति का। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ये इतना आसान नहीं है। अब अगर एक सवाल ये उठाया जा सकता है आपकी तरफ से कि अगर इस गोचर का इतना कॉम्प्लिकेटेड असर है या असर ना के बराबर हो रहा है तो ये वीडियो क्यों बनाया जाए, तो मैं इसका हमेशा ये आंसर देने का कोशिश करता हूँ। क्या प्रयास करना छोड़ दें? क्या उम्मीदें रखना छोड़ दें? क्या अच्छे टाइमिंग का इंतजार करना छोड़ दें? क्या ये मान लें कि हम हार गए, ये हमसे नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमने जो चीज़ सीखनी थी वो ये सीखनी है कि गोचर का प्रभाव समझें और अपनी जन्म कुंडली में उस ग्रह की परिस्थितियों पर ध्यान दें। अगर वो अपनी जन्म कुंडली में, यानी आपकी जन्म कुंडली में ग्रह शुभ फलदायी है तो उसका सुफल प्राप्त होगा ही। लेकिन अगर वो शुभ फलदायी नहीं है और गोचर में बहुत शुभ फलदायी बताया जा रहा है तो उसका प्रभाव भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको जरूर आएगा। अब ये समझ लेते हैं थोड़ा सा कि बुध ग्रह अपने आप में क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, क्या संभालता है, क्या खराब करता है, इन इन इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझते हैं। तो बुध का रंग हरा है, बड़ी साधारण सी व्यवहार की आता है, आमतौर पर सबको पता है। तो कुछ एक चीज़ें मैं देख के पढ़ देता हूँ जिससे आपको ना, तो बुध की जो स्थिति है ये मैंने नोट करके रखा है पहले से। तो बुध
हरे रंग का है और त्रिदोष को संभालता है। त्रिदोष का अर्थ होता है वात पित्त कफ। ये अकेला ऐसा ग्रह है जो एक साथ तीनों ग्रहों का बैलेंस बना भी सकता है अगर अच्छा है, और बिगाड़ भी सकता है अगर खराब है। तो फिर से समझिए, हरे ग्रह आमतौर पर एक एक दोष को संभालने वाला है। अकेला बुध ऐसा है कि अगर ये बिगड़ जाए तो आपको सारी वो तकलीफें जो खाल की हैं या एलर्जिक वाली समस्याएं हैं वो भी हो जाएंगी, आपको कटना फिटना गलने वाली बीमारियां होने लगेंगी, ये समस्याएं। तो त्रिदोष वात पित्त कफ तीनों समस्याओं को संभालने वाला है। इसके अलावा इसका तत्व जब हम गिनते हैं तो पृथ्वी तत्व का गिना जाता है। अपने आप में अकेला बैठा है तो एक शुभ ग्रह, लेकिन शुभ ग्रह के साथ बैठ के इसकी शुभता बढ़ जाती है, अशुभ ग्रह के साथ बैठ के अशुभ हो जाता है। तो इसकी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी अगर अकेला है तो शुभ ग्रह की है, पर ये किसके साथ बैठा है उसी हिसाब से प्रभाव करेगा, यानी इसमें प्रभावित होने की सामर्थ्य है उसके साथ जिसके साथ ये बैठता है। तो ये हिसाब लगाना आपको अपनी जन्म कुंडली में कि आपकी जन्म कुंडली में बुध शुभ ग्रह है कि अशुभ। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ये चीज भी मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊं कि आप अपने बुध को अपनी कुंडली में कैसे पहचाने, उसका शॉर्टकट। तो अगला एपिसोड जरूर देखिएगा। इसके अलावा ये पुरुष ग्रह गिना जाता है, पर नपुंसक पुरुष ग्रह। एक ऐसा पुरुष ग्रह है तो पुरुष, पर नपुंसक मतलब इसके जेंडर के बारे में क्लियर सिचुएशन नहीं है, पर पुरुषत्व तो इसमें थोड़ा अधिक है। शूद्र प्रकृति का समझा जाता है, रजोगुणी मतलब थोड़ा सा इसमें इस तरह के स्वभाव, एक कठोरता। राजकुमार है, राजा का बेटा है, तो आता है शरद ऋतु और उत्तर दिशा इसकी प्रमुख दशाएं गिनी जाती है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, अब शुरू करते हैं अपने एग्जैक्ट चीज को, और वो है कि हमारा आज का कार्यक्रम बुध हर एक लग्न के हिसाब से। तो पहले मेष लग्न की बात करते हैं। अब क्योंकि बुध सभी लग्नों के लिए इस वक्त कहां जा रहा है, तुला राशि में। तुला राशि में उसकी स्थिति क्या है कि वहां वो शुक्र की राशि है, शुक्र की राशि में बुध मित्र है, वहां वो सुख का अनुभव करता है। अगर अकेला बैठा रहेगा तो वो वहां पर शुभ फल देगा ही। तो मेष लग्न के लिए स्थिति है कि वो सातवें घर में आएगा, वैवाहिक जीवन के सुखों को पॉजिटिव साइड पर प्रभावित करेगा। आपके एफर्ट्स, आपके प्रयास, आपकी की हुई कोशिशें, आपके भाई बहनों से आपके तालमेल को इम्प्रूव करेगा। लेकिन एक बड़ी गड़बड़ ये हो जाती है कि वो छठे घर का स्वामी भी बनकर आएगा, और जब छठे का स्वामी बनकर आएगा और सातवें घर में बैठेगा तो पत्नी के स्वास्थ्य या जीवन साथी के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। अब वो किसी भी रूप में हेल्थ के जो भी छोटे मोटे इश्यूज संभव हैं वो जरूर देखने में आएंगे। तो इस तरह से जो तालमेल खराब हुआ क्या कि वैवाहिक जिंदगी में वैसे तो प्रेम बना, पर स्वास्थ्य की समस्याएं आई। धन, पोजीशन, बोली भाषा का व्यवहार अच्छा आएगा, पर्सनैलिटी में निखार की स्थितियां अच्छी आएंगी, वो सब चीजें ठीक है। तो ऑन दी होल मेष के लिए इस गोचर को शुभ समझा जाना चाहिए। जो समस्या है वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी आएगी, जिसको आपको समय रहते एडजस्ट करना सीखना है, तालमेल करना सीखना है, संभालना सीखना है। वृषभ लग्न की बात करते हैं तो यहाँ लग्न के साथ भी बुध की मित्रता है। ये भी एक तरीका है बात को देखने का कि ऑन दी होल लग्न के साथ आपकी क्या तालमेल है। अब जो सेकंड भाव का कंट्रोलर बन के आएगा वो है कुटुंब के साथ हमारा तालमेल, व्यवहार, हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारा भाषा का प्रभाव, शब्दों की मर्यादा, हमारे बोलने का लेवल और स्टैंडर्ड वो खराब हो जाएगा, क्योंकि वो छठे घर में चला गया। छठे घर में जाने पर कोई भी ग्रह उतना शुभ फलदायी नहीं रहता जितना शुभ फलदायी हम उसे मान के चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी थोड़ी स्थिति यहाँ कमजोर हो जाती है। अगर वो अकेला है तो स्थितियों का मैंने बयान करा। तो आपके कुटुंब के साथ आपके तालमेल, आपकी बोली भाषा के कारण आपकी कोई टीका टिप्पणी, आपके कमेंट्स थोड़े ऐसे हो सकते हैं कि फैमिली में आपके लिए थोड़ा रुझान घटे, लोग आपके बारे में कम अच्छा सोचें। संतान की स्थिति क्या आएगी कि संतान जो पांचवें घर से संतान देख रहे हैं, व्यवहारिकता देख रहे हैं, हमारी डाइजेशन देख रहे हैं, इनिशियल एजुकेशन देख रहे हैं और डिसीजन लेने की सामर्थ्य, इतनी और भी बहुत सी चीजें देखते हैं। लेकिन ये सब की चीजें जो मुख्य रूप से देखी जा रही है ये इसलिए कमजोर हो गई कि वो अपने से दूसरे घर या जन्म कुंडली के छठे घर गया। तो मोटे तौर पर बुध का ये गोचर वृषभ वालों के लिए शुभ नहीं है, यानी अशुभ नहीं कह रहा हूं क्योंकि अशुभ किसी के लिए भी नहीं, लेकिन शुभता नहीं आई। हर तरीके से उसका प्लेसमेंट मोटे तौर पर यहां खराब साबित होगा। तो वृषभ लग्न वालों के लिए ये स्थितियां शुभ नहीं है। मिथुन लग्न की बात करते हैं। अब यहाँ मिथुन लग्न का वो स्वयं स्वामी भी है
और केंद्र का स्वामी होकर, लग्न का स्वामी होकर त्रिकोण में बैठा है। मोटे तौर पर यह भी एक राजयोग काउंट किया जाता है जब केंद्र और त्रिकोण का आपसी तालमेल होता है। तो अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए, व्यक्तित्व के लिए, पर्सनैलिटी के लिए, आपकी इमेज, आपका रुतबा, इन सब चीजों में आपको लाभ देखने में आएगा। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, संतान के साथ तालमेल, फैसले लेने की सामर्थ्य, आपका डाइजेशन, माता जी के साथ तालमेल, अपना मकान, अपना वाहन, उच्च शिक्षा और थोड़ी बहुत यात्राएं, ये सभी कुछ देखने में आएगा। तो मेरे हिसाब से अति शुभ है मिथुन लग्न वालों के लिए। किसी तरह की कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं आती दिख रही है। ये गोचर उनके लिए शुभ फलदायी होने वाला है। कर्क लग्न की बात करते हैं। अब बुध कर्क के साथ तालमेल अच्छा नहीं करता है क्योंकि जो बुध की स्थिति है वो वहां पे शत्रु राशि वाले आ जाते हैं। माता जी से विचार मिलते नहीं इसके, तो इसका असर क्या आएगा कि थोड़ा बहुत जो प्रभाव आएगा वो तीसरे घर का स्वामी बन के आएगा। तो तीसरा घर क्या होता है? हमारे प्रयास, हमारे छोटे भाई बहन, हमारी कोशिशें, हमारी मेहनत, हमारे जुझारूपन, इसका लाभ होगा। लेकिन कहीं ना कहीं माताजी के स्वास्थ्य को थोड़ा सा नेगेटिव साइड प्रभावित करेगा। फिर से समझिए, आपकी मेहनत बढ़ी उसका फायदा होगा, आपके भाई बहनों से तालमेल इंप्रूव होंगे, पर जो दिक्कतें आई वो क्या आई कि आपकी कुंडली में आपकी अपनी माता जी के स्वास्थ्य का तनाव आपको देखने में आना चाहिए। इसके अलावा ये खर्चों के घर का स्वामी है, भागदौड़ बढ़ेगी। अब माता जी के इलाज के नाम पे भागदौड़ हो सकती है, थोड़ी बहुत अपने इलाज के नाम पे भागदौड़ हो सकती है, लेकिन घुमा फिरा कर आपको डॉक्टर के पास कई बार चक्कर लगाना पड़ सकता है। तो कर्क के लिए स्थितियों को मेरी तरफ से जितनी मैं समझ रखता हूँ शुभ नहीं गिना जा सकता। ये इनके लिए थोड़ा तनाव, थोड़ी भागदौड़, थोड़ी परेशानियों का ही रहने वाला है। सिंह लग्न की बात करते हैं तो सिंह लग्न के लिए प्लेसमेंट तीसरे घर में आता है और ग्यारहवें घर का स्वामी है। बहुत अच्छी स्थिति है, इनकम को इम्प्रूव करने, नए और सोर्सेज डेवलप करने की अच्छी संभावना बनेगी, आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। कुटुंब के साथ, व्यवहार के साथ, आपकी बोली भाषा, इन सब चीजों में भी स्थितियां इम्प्रूव होंगी। तो सिंह के लिए स्थिति शुभ है, इसमें कोई ऐसी खराबी नहीं देखने में आ रही कि जिसकी वजह से लगे कि दिक्कत है। थोड़ा बहुत भाग्य को भी इम्प्रूव करेगा, पिता के साथ तालमेल को भी इम्प्रूव करेगा, आपके व्यक्तित्व में, आपकी बोली भाषा से, आपके मैथ से, आपके किसी भी चीज का पहले से जो हम अंदाजा लगाते हैं कि असेसमेंट की टोटल मैथिंग मैथ करना कि भाई ये काम हमारे लिए शुभ होगा कि अशुभ होगा, इससे रिजल्ट निकाल सकेंगे कि नहीं निकाल सकेंगे, इसकी उम्मीदें बढ़ती चली जाएंगी। तो सिंह लग्न के लिए स्थितियां बिल्कुल शुभ हैं, कोई आपत्ति नहीं। कन्या लग्न, अब कन्या लग्न की स्थिति पर ध्यान दीजिए, दो केंद्रों का स्वामी एक साथ। ज्योतिष में ये भी एक समस्या है कि अगर कोई ग्रह एक साथ दो केंद्रों का स्वामी है, ऐसा सिर्फ चार लग्नों पर ही संभव है, मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इनके स्वामी अगर केंद्र में आ जाते हैं तो इसे केंद्र अधिपति दोष कहते हैं क्योंकि एक साथ दो केंद्रों का स्वामी है। बहरहाल ये एक अलग बात थी जो जानकारी मैंने आपको दी। अभी बैठता दूसरे घर में, स्थिति अच्छी है, सेहत के हिसाब से, व्यक्तित्व के हिसाब से, बोली भाषा, कुटुंब के साथ, जीवन स्तर के हिसाब से, पिता के सुख के हिसाब से कोई समस्या इनको नहीं आ रही है। तो कन्या के लिए ये स्थितियां शुभ फलदायी हैं, आनंद देने वाली हैं। लेकिन थोड़ी बहुत जिनको पहले से कोई यूरिन इन्फेक्शन की समस्या है वो बढ़ेगी, जिन्हें थोड़ी बहुत समस्या पथरी की है, ऐसी जिसमें हम स्टोन प्रॉब्लम कहते हैं, अगर है तो उसके बढ़ जाने की संभावना से इनकार नहीं है। तो जो थोड़ा बहुत दर्द इफेक्ट आ रहा है, असर आ रहा है, वो आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा बहुत आ भी सकता है। ऑन दी ओल बिल्कुल ठीक, कोई खराबी नहीं है, कुछ भी समस्या नहीं है। कन्या के लिए योग बड़ा अच्छा जाने वाला है, गोचर बड़ा अच्छा जाएगा। तुला लग्न के तो लग्न में ही बैठ करके आएंगे, भाग्य के हिसाब से, पिता के हिसाब से, स्थितियों के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, खर्चों के हिसाब से भी अच्छे हैं। आप पॉजिटिव खर्चे होते हैं, आपने प्लान करके कार खरीदी तो एक खर्चा हुआ पर मजा आया, आपने प्लान करके कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाया तो आपको मजा आया। तो ये खर्चे वो हैं जो अनवांटेड खर्चे होते हैं, जो आप चाहते ही नहीं थे हो गए वो समस्या, और एक खर्चे वो हैं जो आप चाहते थे कि हो मजा आया। तो आपके लिए कुल मिलाकर मेरी समझ से सेहत के हिसाब से देखते हैं, वैवाहिक जीवन के हिसाब से देखते हैं, खर्चों के हिसाब से देखते हैं, इसके अलावा भाग्य, पिता का सुख, धर्म, हर मुद्दे पर आपके लिए लाभकारी है, तो तुला लग्न के लिए गोचर बहुत शुभ जाने वाला है, इसमें कोई समस्या आती हुई नहीं दिखाई देती। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं तो वृश्चिक लग्न की स्थिति है कि एक तो बुध का मंगल यानी वृश्चिक लग्न के लग्नेश के साथ बहुत अच्छा तालमेल नहीं, दूसरा एक साधारण नियम यह है कि जो भी ग्रह गोचर में
चौथे आठवें बारहवें जाते हैं वो उतना सुफल नहीं देते हैं। तो दो चीजों को समझ के देखें, तो आठवें घर के स्वामी हैं और आठवें घर के स्वामी होकर बारहवें घर में गए, ये भी अपने आप में एक अच्छा योग समझा जाता है, अच्छा विपरीत राजयोग समझा जाता है। तो आपकी आमदनियां, ये जो आपके खर्चे बहुत ज्यादा होने वाले थे, जो आपका पैसा डूबने वाला था वो नहीं डूबेगा। कुछ पैसा ऐसा अनवांटेड पैसा भी रिकवरी में देखने में आ सकता है कि जो आपको उम्मीद नहीं थी, ये दो फायदे हो गए। लेकिन ऑन दी ओलो पैसा खर्च जरूर हो जाएगा, यानी मिस्टर एक्स के पास हमारे पैसे ब्लॉक थे जो नहीं मिल पा रहे थे, वो इस समय मिल गए और हमने उसे मिस्टर वाई पर खर्च कर दिया। सीधे सीधे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन रिकवरी भी देखने में आएगी। एक मन को खुशी होती है, चलिए डूबा हुआ पैसा मिल गया, पर वो खर्च भी हो जाएगा। आमदनी भी थोड़ी बहुत नेगेटिव साइड प्रभावित होने वाली है, क्योंकि बहुत अधिक आमदनी नहीं आएगी, कोशिशों के बाद भी उतनी परफॉर्मेंस निकलती हुई दिखाई नहीं देगी। तो घुमा फिरा करके वृश्चिक वालों के लिए भी ये साधारण स्थिति है या साधारण खराब स्थिति है, इसमें बहुत अधिक सुफल प्राप्त होते हुए नहीं दिखाई देते। धनु लग्न की बात करते हैं, दो केंद्रों के स्वामी आएंगे, सातवें घर के और दसवें घर के, और ग्यारहवें घर में बैठे, इससे बेस्ट सुख की कोई स्थिति नहीं बन सकती। धनु के लिए बेहतरीन अच्छे हैं, आमदनी के नए मौके मिल सकते हैं, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के नए मौके मिल सकते हैं, वैवाहिक जीवन की स्थितियां इंप्रूव हो सकती हैं। अगर आप इस उम्र में हैं कि आपका विवाह होना चाहिए तो विवाह की संभावनाएं बनेंगी। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं तो बात बन सकती है। अगर आप इस एज में हैं कि जहां आपको संतान प्राप्ति की चाहना है, तो आपको संतान प्राप्ति का, कंपटीशन एग्जाम्स का, कोई गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना का, जीवन स्तर ऊंचा होने का, और राज्य सरकार या सरकारों से किसी और तरीके का लाभ, कॉन्ट्रैक्ट, व्यापार, बिजनेस मिलने की संभावनाएं भी है। तो धनु के लिए बेहद शुभ स्थिति है, इसमें कहीं कुछ भी खराब नहीं है, तो शुभ ही शुभ रहेगा, कोई अशुभ फल इसका प्राप्त नहीं होगा। अब मकर की बात करते हैं, तो मकर के लिए दशम भाव में आएंगे, दशम भाव में गोचर लगभग शुभ ही होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या देखने में नहीं आती है, पर वो छठे घर का स्वामी, बीमारियों का स्वामी शिफ्ट होकर के दशम भाव में जाएगा, तो थोड़ा बहुत हमारे लेवल को नीचे लाएगा, तनाव आएंगे, शत्रु कुछ बैक बाइटिंग करेंगे। अब शत्रु जो लेग पुलिंग करेंगे, हमारी टांग खींचेंगे, उसका इम्पैक्ट हमारे स्टेटस पे आएगा, तो थोड़ा तनाव ऐसे आएगा, बिगड़ेगा कुछ नहीं, पर थोड़ा तनाव देखने में आएगा। भाग्य का स्वामी भी है, तो इसलिए भाग्य क्योंकि मजबूत है, भाग्य आपको सपोर्ट देगा, तो उसका लाभ आपको क्या मिलने वाला है कि शत्रु जो आपके लिए गड़बड़ियां करेंगे, आप उन्हें संभाल सकोगे अपने भाग्य की सामर्थ्य पर। प्रयास करना ना भूलें, क्योंकि उसकी जो दृष्टि है वो चौथे घर पर भी आएगी। सुख तभी प्राप्त होंगे जब आप अधिक परिश्रम करेंगे, भाग्य आपको अवसर देता है, सब कुछ नहीं, रिजल्ट तो आपको स्वयं निकालना है। मकर के लिए लगभग ठीक है, इसमें कोई विशेष खराबी नहीं है, एक दो छोटे मोटे पॉइंट्स थे जो मैंने बताए, बाकी लगभग बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं। कुंभ लग्न की स्थिति यह है कि ये भाग्य को कमजोर करने वाला बनकर आएगा, अष्टम भाव का स्वामी होकर के बैठा है, पिता के स्वास्थ्य को भी तनाव देखने में आ सकता है, अपने स्वास्थ्य को भी थोड़ा बहुत तनाव देखने में आ सकता है, भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा, बहुत कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, पर संतान के सुखों को बढ़ाने वाला, अगर आपकी उम्र इतनी है कि आप दादा दादी बनने वाले हैं या बन सकते हैं, तो आपको ये शुभ लाभ प्राप्त होगा कि आप ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर बनने वाले या बनने की उम्मीदें जगेंगी। पढ़ाई लिखाई की वाली उम्र के हैं तो पढ़ाई अच्छी होगी, संतान की पढ़ाई अच्छी होगी, कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं तो चांसेस मिलेंगे, डाइजेशन की कुछ समस्या थी तो वो सॉल्व होगी। तो कुल मिलाकर थोड़ा अच्छा थोड़ा खराब, तो कुंभ के लिए इसमें कुछ अच्छी बातें आएंगी, कुछ खराब बातें। तो भाग्य का सपोर्ट कम होगा, पिता का तनाव बढ़ेगा, धर्म के प्रति आपकी हानि देखने में आएगी, संतान के प्रति, ज्ञान के प्रति आपके लिए स्थितियां शुभ होती हुई दिखाई देती हैं। तो ये एक मिला जुला सा असर है, आप इसे समभाव लेके चल सकते हैं, थोड़ा फायदा थोड़ा नुकसान। मीन लग्न की स्थिति है कि इनके लिए स्थितियां खराब आएंगी, वैवाहिक जीवन में भी तनाव देखने में आएगा, यूरिन से संबंधित भी प्रॉब्लम देखने में आएंगी, और गोचर में वैसे भी आठवें घर में गया हुआ ग्रह सफल नहीं देता, ये भी एक नियम है। तो सुखों में कमी देखने में आएगी, वैवाहिक जीवन के सुखों में कमी देखने में आएगी, माता जी का स्वास्थ्य, मकान, अगर कोई यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा का अवसर मिलेगा, समुद्र पार की यात्राओं का मौका मिलेगा, कुछ चीजें ब्लॉक हो जाएंगी, जैसे हो सकता है आप प्रॉपर्टी बेचें लेकिन चाह के भी दूसरी ना खरीद पाए इस समय में, तो बिक तो गई आ नहीं रही, कार बेच दी, बेच तो दी नहीं खरीद पाए, या जैसी चाह रहे थे नहीं मिल रही। तो घुमा फिरा कर आपके लिए स्थितियां खराब हैं, अच्छी नहीं है, तो मीन लग्न को लगभग बहुत अच्छा कुछ भी नहीं होगा इस गोचर का लाभ,
कुछ ना कुछ नुकसान ही होगा। सारी लग्नों पे बातचीत हो गई। अगला एपिसोड में जो बनाऊंगा वो ये कि आप अपनी जन्म कुंडली में अपने बुध को कैसे पहचाने कि आपके लिए सुफल देगा कि नहीं। दो तीन फिल्टर बनाकर मैं कोशिश करता हूँ जिससे कि वह समझ में आ जाए। मैं बिल्कुल ये दावा नहीं करता हूँ कि 100% सही है, लेकिन 90% सही है। एक आम आदमी के लिए कोशिश कर रहा हूँ जो बिल्कुल नहीं जानता अपनी कुंडली को देखना, वो भी इस शॉर्टकट से थोड़ा आइडिया लगाए कि उसके लिए इस गोचर का प्रभाव या उसकी जन्म कुंडली में बुध की स्थिति क्या है। आमतौर पर सारे कमेंट्स इस हिसाब से आते हैं कि मेरी कुंडली में राहु यहाँ है बताइए कैसा, मेरी कुंडली में गुरु यहाँ है बताइए कैसा। मेरे पास इतना समय नहीं रहता है कि मैं हर एक की कुंडली को पहले देखूं और उसके बाद उसमें बताऊं। ये सुविधा मैं कुछ फीस लेकर आपको अवेलेबल करवाता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मैं फ्लैश करता हूँ, आप वो फीस पे कीजिए और मुझसे अपने समस्याओं के संबंध में जानकारी लीजिए। ये एक ईमानदार तरीका है। अब आप अगर मान लीजिए 300-400 कमेंट कर देंगे कि साहब मेरी कुंडली में बताओ, मेरी में बताओ, आप अपनी जगह बड़े अच्छे हैं, आपका प्रेम मेरे प्रति बहुत अच्छा है, आपका हक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, पर मेरी व्यवस्था पे भी ध्यान दीजिए कि इतना समय निकाला जाना संभव नहीं होता है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप इस बात को समझे होंगे और आपको बुरा भी नहीं लगा होगा। तो इस कार्यक्रम के संबंध में, इसी कार्यक्रम के संबंध में अगर कोई विशेष बात आप जानना चाहते हो तो जरूर पूछिए मुझसे, जितना संभव है मैं जरूर बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।